बच्चों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत कक्षा चौथी की हम गणित विषय की महत्वपूर्ण वर्कशीटों को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्कशीट नंबर 18 दी गई है, पेज नंबर हमारा 20 दिया गया है। तो प्रश्नोत्तर देखते हैं, जोड़ने की समझ पे आधार पे यहाँ पे प्रश्नोत्तरों को हल करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। 6 बार 4 10 की शून्य हासिल का आया 1, 9 बार 1 10 की शून्य हासिल का आया 1, 3 बार 1 4, 4 बार 4 8, तो ये हो जाएगा 800 हमारे पास कुल योग। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 4 बार 7 11, 5 बार 3 8 बार 1 9, 9 9 9 9, तो 991 ये प्राप्त हो जाएगा। फिर शून्य में 3 जोड़ेंगे 3 प्राप्त होगा, 1 में शून्य जोड़ेंगे 1 और 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त हो जाएगा, 413 प्राप्त हो जाएगा। फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 2 5 प्राप्त हो जाएगा, तो ये 571 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गाँव में 420 पुरुष, 312 महिलाएँ और 161 बच्चे हैं, तो उस गांव में कुल कितनी संख्या होगी। तो तीनों पुरुष की संख्या, महिलाओं की और बच्चों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो कुल जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी 893। इसी प्रकार उर्मिला की दुकान में 180 आम, 232 अमरूद और 72 संतरे हैं, तो उसके पास में कुल कितने फल हैं। दुकान में आम की संख्या हम देख रहे हैं 180, अमरूद की संख्या 232 और संतरे की संख्या हो जाएगी 72, तो कुल संख्या हो जाएगी 774। इसी प्रकार एक बगीचे में 157 आम के पेड़ तथा 120 अमरूद के पेड़ हैं, बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो आम के पेड़ की संख्या 157, अमरूद के पेड़ की संख्या हो जाएगी 120। अब इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास 277 संख्या कुल प्राप्त बगीचे में पेड़ों की प्राप्त हो जाएगी। इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे पेज नंबर 20 तक कार्य कर चुके हैं। आशा है वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। पहली बार आपने इस वीडियो को देखा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। धन्यवाद।